Good morning, students. Today we will learn super senses part 3. What happens during winter when your mother tells you get up for school? सर्दियों में क्या होता है जब आपकी मम्मा आपको स्कूल के लिए उठाती है? You want to sleep in cozy quilt. तो आप सर्दियों में गर्म रजाई में सोना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत सर्दी लगती है. तो आपकी तरह एक एनिमल है जो आपके घर में रहता है, उसे भी बहुत सर्दी लगती है. क्या आप उसका नाम बता सकते हो? इट इज लिजार्ड. हैव यू नोटिस्ड दैट यू कांट सी लिजार्ड इन योर हाउस ड्यूरिंग विंटर सीजन? सर्दियों में आपको लिजार्ड दिखाई नहीं देती. देन वेयर इट गोज? तो वो कहाँ जाती है? इट गोज टू वार्म एंड सेफ प्लेसेस. वो गर्म और सेफ प्लेसेस पर चली जाती है. इट इज गुड फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बींग. वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है बिकॉज इट ईट्स इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस एक्सेट्रा. क्योंकि हमारे घर में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें खा जाती है. एंड इट हार्डली कम्स फॉर इट्स फ्रेंड ड्यूरिंग विंटर. सर्दियों में ये बहुत कम बाहर आती है अपना शिकार के लिए. एंड इट स्लीप्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स इन अ डे. वो लगभग 24 घंटे सोई रहती है. तो ये हमने आपको लिजार्ड के बारे में बताया. इट इज रेप्टाइल. नाउ कम टू नेक्स्ट एनिमल स्लोथ. स्लोथ लुक्स लाइक बियर बट इट इज नॉट बियर. इट स्लीप्स अप्रॉक्सीमेटली 17 आवर्स अपसाइड डाउन ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री. Its life is around 40 years. It eats leaves of tree where it lives. When leaves are about to finish, it moves to another tree. Then in third tree. In its life, approximately, it moves in 5 trees. Sloth dikhne mein बियर की तरह होता है लेकिन वास्तव में वो बियर नहीं होता. वह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और लगभग 17-18 घंटे वो दिन में सोता है. वो जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है और जब वो पत्तियां खत्म होने लगती हैं वो दूसरे पेड़ पर शिफ्ट हो जाता है. जब दूसरे पेड़ की पत्तियां खत्म होने लगती है तो वो तीसरे पेड़ पर शिफ्ट हो जाता है. उसकी एज लगभग 40 साल होती है. उस 40 साल में लगभग वो 5 या 6 पेड़ों पर ही जाता है और सप्ताह में एक दिन वो पेड़ों से नीचे उतरता है रिलैक्स के लिए. तो अपन कह सकते हैं कि स्लोथ इज आल्सो वेरी लेजी एनिमल. नाउ चिल्ड्रन कम टू नेक्स्ट टॉपिक स्लीपिंग टाइम ऑफ एनिमल्स. बच्चों हर जीव जंतु का स्लीपिंग टाइम अलग अलग होता है. जैसे ह्यूमन बींग है हम लोग लगभग 7-8 घंटे की नींद लेते हैं. इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कम देर के लिए सोते हैं और कुछ एनिमल्स लिजार्ड जैसे हैं जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सोते हैं. तो हम आपको कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम के बारे में बताएंगे. तो बेटा ये एक सर्किल है एंड इट इज डिवाइडेड इन टू 12 पार्ट्स. इसमें 12 भाग हैं. And you know there are 24 hours in a day. It means one part is equal to 2 hours. At first we will take giraffe. I'm shading sleeping time of giraffe. How many part I shaded? 1. And one part is equal to 2 hours. It means sleeping time of giraffe is 2 hours. Now come to next animal. Cow. I am shading 2 parts of cow. It means sleeping time of cow is how many hours? 2 into 2? 4 hours. Next is cat. For cat, I am shading 6 parts. 6 parts means 6 into 2? 12 hours. Sleeping time of cat is 12 hours. Next is python. Python is a snake.
And sleeping time of python is 9 hours. 9 into 2? 18 hours. Now, come to result. It sleeps 24 hours during winter season. It means all 12 parts are in shade. So, sleeping time of lizard is 12 into 2, 24 hours. So, this was sleeping time of many animals. Now, children, do you know tigers, lions, deer, and many other wild animals are decreasing day by day? क्या आपने सोचा है किसका क्या रीजन है? There are two main reason. First is deforestation and second is hunting. What is deforestation? बच्चों, लोग पेड़ काट रहे हैं, शिकारी hunts कर रहे हैं, इसलिए जंगली जानवरों का नंबर कम. As population is increasing day by day, so people are cutting trees for wood to make houses, etc. Second, hunting. लोग शिकार कर रहे हैं. Who are hunters? People who hunt animals are called hunters. अब लोग hunting क्यों करते हैं? To get the skin of animals, to get the horns of animals, to get the scent from animals. So people hunt animals. People hunt elephants for their tusk. People hunt tigers, snakes, crocodiles for their skin. They hunt musk deer for scent. So children, how we can stop it? हम इसको कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं, जहाँ पर इन वाइल्ड एनिमल्स को सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पर हंटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं होती है. तो हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैं. क्या आपको कुछ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के नाम याद हुए? गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम. सो बच्चों, आपको इन नेशनल पार्क्स के नाम याद करने हैं. तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है. एक बार इस चैप्टर के अंदर हमने सुपर सेंसेस पढ़ी डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स की, हमने स्लीपिंग टाइम पढ़ा, हमने लिजार्ड और स्लोथ के बारे में पढ़ा, हमने टाइगर की बहुत सारी सुपर सेंसेस पढ़ी. तो मैं आपको वर्कशीट भेज रही हूँ, उसे आपको करना है. और वर्कशीट 1 और 2 के सॉल्यूशंस भी भेज रही हूँ, ताकि उससे आपको गाइडेंस मिल सके. आप कॉपी में बहुत ही अच्छे से सफाई से काम करेंगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.